देख रहे हैं इंडिया गेट के इसके क्या नज़ारा है दोस्तों। दोस्तों यकीन मानो ये ब्लॉग में बहुत आपको मज़ा आने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए और लाइक भी ठोक लीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ आया हूँ और आप गेस कीजिए मैं कहाँ पर हूँ। नीचे कमेंट करके गेस कीजिए, नहीं गेस कर पाए। दोस्तों, अभी मैं आया हूँ इंडिया गेट, जो इंडिया का इंडिया गेट इसे बोल सकते हैं। दोस्तों, इंडिया गेट में आया हूँ और सबको इंडिया गेट का टूर कराने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं पहली बार इंडिया गेट के बारे में सुना था अपने लाइफ में, तो मुझे क्या लगा था कि इंडिया गेट जो है एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ है और इंडिया में एंट्री करने के लिए, जैसे किसी देश से आ रहे हैं तो एंट्री करने के लिए वो गेट होगा, मुझे ऐसा उस समय लगा था। लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। ये एक बहुत बड़ा, इसको स्मारक बोल सकते हैं दोस्तों, और उसके अंदर ये गेट बनाया हुआ है। हम इंडिया गेट के पास पहुंचते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इंडिया गेट क्या है, कब बना था और किस कारण से बना है। ये रोड क्रॉस करने के लिए बनाया गया है, नीचे से आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप केंद्रीय सचिवालय की तरफ से आ रहे हैं, मेट्रो स्टेशन से आ रहे हैं, तो आपको एक रोड क्रॉस करना पड़ेगा और उसके लिए ये रास्ता आपको यूज करना पड़ेगा, यानी नीचे से आपको जाना होगा। इंडिया गेट को मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है, जिसे पहले किंग गेट्सवे भी कहा जाता था। इसका डिजाइन एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। दोस्तों, ये जो स्मारक है पेरिस के आर्क डी ट्रायम से प्रेरित है। इसे सन 1931 ईस्वी में बनवाया गया था। इंडिया गेट 42 मीटर ऊंचा है और यह दिल्ली के राजपथ पर बना है। हालांकि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। इस स्मारक को अंग्रेज शासकों द्वारा उन 70,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। इस स्मारक में 13,516 से भी अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम दीवारों पर लिखे हुए हैं, जो पश्चिमोत्तर सीमांत अफगानपुर युद्ध 1919 में मारे गए थे। स्मारक में हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक मूर्ति बनाई गई है। इसमें दोस्तों धीरे धीरे जो पर्यटक है वो भरना शुरू हो गए हैं, शाम का वक्त होने लगा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे शाम का और रात का जो वक्त होता है, लाइट इतने इसमें अच्छे लगे हुए हैं कि बहुत ही प्यारा लगता है यह जगह। तो यहाँ पे आप कभी भी आए तो कोशिश करें कि शाम को यहाँ पे आने के लिए, शाम को यानी के रात यानी 6-7 बजे के आसपास, तो यहाँ पे आपको नज़ारा जो है बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। कल दोस्तों यहाँ पे पीएम मोदी आए हुए थे इंडिया गेट के पास, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्टैचू लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सुभाष चंद्र बोस का, इसी का अनावरण करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और इसका अनावरण करके, और आप देख सकते हैं कि ये अभी अंदर से पूरा तरह से तैयार नहीं हुआ है, इसको अभी डेकोरेट किया जा रहा है। डेकोरेट करने के 1-2 दिन बाद इसको भी खोल दिया जाएगा, कोई भी पर्यटक इसके अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं। सरकार ने नेताजी के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया।
और नए संसद भवन की ओर। ये कर्तव्य पथ प्रतिबिंब है, विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाते, तेजी से विकास करते नए भारत का। दोस्तों, मैं यहाँ पे आ गया था लगभग 3 से 4 बजे के आसपास, तो उस समय काफ़ी धूप था और उस समय प्यास मुझे काफ़ी ज़्यादा लग चुकी थी, तो इसीलिए मैं पानी यहाँ पे ढूंढ रहा था, लेकिन पानी का कहीं पे यहाँ पे सुविधा नहीं है पीने के लिए। तो आप कभी भी आएँ तो बाहर से पानी लेकर के, पानी का बोतल लेकर के आएँ, क्योंकि प्यास लगेगी तो बहुत परेशानी बढ़ेगी, इसे आप नोट कर लीजिए। हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है, उसे भी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए उस कार्यक्रम को थोड़ा सा देखते हैं कैसा है। यकीन मानो क्या नज़ारा है दोस्तों, अभी शाम हो चुका है और इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब क्राउड है, इतना भीड़ है, लेकिन ये दृश्य देखने वाला है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे जो प्रोग्राम लोग दे रहे हैं अलग अलग जगहों से आकर के, वो तो बिल्कुल उसका कुछ शब्द नहीं है मैं कहूँ। और मैं इस ब्लॉग में तो ज़्यादा इसको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इसके आगे वाले पार्ट में मैं क्या करूँगा उसको टोटल मैं डाल दूँगा उस कार्यक्रम का वीडियो, आप देख सकते हैं। ओहो क्या नज़ारा है दोस्तों, वाकई में लग रहा है कि ये मैं कहीं और आ गया हूँ अपने देश को छोड़ करके। और ये जो है ये दोनों तरफ है, यानी यहाँ भी है और फिर इस तरफ इसके उस पार भी आपको मिलेगा सेम चीज़, तो ये खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। ये है इंडिया गेट, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है दोस्तों शाम के वक्त। जो देख रहे हैं इंडिया गेट, इसके बिल्कुल ही सामने है राष्ट्रपति भवन। ये जो आपको लाइट दिखाई दे रहा है यही है राष्ट्रपति भवन, बिल्कुल सामने है दोस्तों इसके। और ये रोड के दोनों साइड से जो लाइट लगा हुआ है ये इस रास्ते को और प्यारा बना देता है। और ये झरना देख सकते हैं जो बनाया गया है आर्टिफिशियल, एक यहाँ पे है और दूसरा है यहाँ पे। आप प्यारा लग रहा है दोस्तों, जब ये कलर चेंज कर रहा है तो और प्यारा लग रहा है दोस्तों। प्रोग्राम जो है दोनों साइड हो रहा है, एक साइड का प्रोग्राम मैंने शूट कर लिया और दूसरे साइड के लिए मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे अब जा करके देखते हैं कि वहाँ का जो प्रोग्राम है वो किस ढंग का हो रहा है। अगर बेहतर होगा तो इस आने वाले वीडियो में दोस्तों, इसमें छोटा छोटा मैं शॉर्ट डाल दूंगा और आने वाले वीडियो में उसको फुल मैं डाल दूंगा, तो आप जा करके देख सकते हैं।
देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये अपने अपने इस देश के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं अपने कला को दिखाने के लिए। जो यहाँ पे एक पूल बना हुआ है पानी के ऊपर, यहाँ पे दोस्तों नीचे लाइट डाला गया है, उससे इतना खूबसूरती बढ़ रहा है कि क्या बताऊँ दोस्तों। तो दोस्तों आपने इंडिया के अलग अलग स्टेट से आए हुए लोगों का अलग अलग संस्कृति देखा, संस्कृति वाला डांस देखे, आपको कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आने वाले वीडियो के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको देखने को मिले।